नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। रवीश कुमार को एजेंडाधारी पत्रकार कहा जाता है कि वो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, कांग्रेस के नजदीकी पत्रकार हैं, कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को बेचारा दिखाने का एजेंडा चलाते हैं। और ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। जब गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, तब गाजा के लोगों के लिए रवीश कुमार ने खूब हमदर्दी दिखाई थी, गाजा को गजा लिखने और बोलने लगे थे। खैर, ये तो उनका पुराना है, लेकिन अब रवीश कुमार को एजेंडा चलाना इतना भारी पड़ गया कि पूछिए मत। सवाल ये है कि इस घटना के बाद रवीश खुद को सही साबित आखिर कैसे करके दिखाएंगे। वैसे बड़े पत्रकार हैं, कर भी सकते हैं, तो चलिए आपको अब मामला बता देता हूँ। दरअसल रवीश कुमार एक किताब के समारोह में शामिल होने गए थे, जहाँ उन्होंने कहा कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, लव जिहाद काल्पनिक है, इस नाम की एक किताब है और उसका वो समर्थन करते हुए नजर आए। जिस पर राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवीश कुमार को जमीन दिखा दी, आईना दिखा दिया। मतलब रवीश सोच रहे थे कि हवा में कुछ भी कहकर निकल लेंगे, उन्हें जो सुनने वाले हैं उन्हें उनके कानों को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ही है कि बस वही लोग सुनेंगे जो इनके सुनने वाले इनके चाहने वाले हैं, और लोग भी सुन सकते हैं। तो रवीश कुमार की क्लास लगते देर नहीं लगी। दरअसल रवीश कुमार ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था, कल पुस्तक मेला में हॉल नंबर 5 एल्फे प्रकाशन के स्टॉल पर इस किताब के तीनों लेखक मौजूद रहेंगे। समय 4 बजे का है। मेले में लेखकों से मिलने का अलग ही मजा होता है। सभी के साथ हमें भी काम करने का मौका मिला है। लंबा जीवन साथ गुजरा है, मुझे किताब मिल गई है, अब पढ़ने की तैयारी है। एल्फे प्रकाशन की ये किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, खरीदना ना भूलें। इस किताब का नाम है लव जिहाद एंड फिक्शन, मतलब लव जिहाद को ये फिक्शन बता रहे हैं और लोगों से खरीदने की भी मांग कर रहे हैं। रवीश के ट्वीट के बाद तारा भड़क गई और तारा ने ट्वीट करते हुए रवीश कुमार की लगभग इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तारा लिखती हैं, रकीबुल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई, लेकिन आज समझ आया है कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को आप जैसे लोग ही देते हो। तारा ने बड़ी ही हिम्मत से रवीश कुमार को उधेड़ने का काम किया और लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि तारा शाहदेव के साथ क्या हुआ था। दरअसल तारा को रकीबुल हसन ने रंजीत कोहली बनकर फंसाया था, इस साजिश में उसकी मां भी शामिल थी। तारा को कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, तारा की मां को भी प्रताड़ित किया जाता था, अगर सिंदूर लगाया तो हाथ पांव तोड़ देने की धमकी दी जाती थी, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था, 1.5 महीने तक लगातार उन्हें कैद में रखा गया, उनका शोषण किया गया। फिर एक दिन किसी तरह से तारा ने अपने भाई को फोन किया, तब जाकर वो इस नरक से मुक्त हो गए। लगभग 8 साल लंबे केस के बाद पिछले ही साल 2023 में रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा हुई और उसकी मां को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। और रवीश कुमार जैसे लोगों को लगता है कि लव जिहाद है ही नहीं, ये सब कहानियां हैं। लोगों के दिमाग में सच को झूठ बनाकर कैसे भरना है, कोई कुमार जी से सीखे, क्या ही बात है। अब आप देखिए कि लोगों ने कैसी इन साहब की ट्विटर पर क्लास लगाई है। तारा ने तो मर्यादा में रहते हुए रवीश कुमार को उधेड़ने का काम किया, लेकिन एक्स पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रवीश के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें शायद मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। एक रितिका नाम की यूजर ने लिखा, आप लड़कियों को शिकार बनाने वाली लव जिहाद की आइडियोलॉजी को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीड़ित मुस्लिम की जगह हिंदू बेटियां हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सीधा फिक्शन बता के श्रद्धा वाकर जैसे केस को भी आपने भुला दिया, क्या ये आपकी निष्पक्षता का पैरामीटर माना जाना चाहिए। हरीश माली नाम के यूजर ने लिखा, संदेश खाली पर तेरा मुंह नहीं खुला, कितना दोगला है तू, अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाता होगा, अगर कभी तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना हो जाए तो तू ये सोच कर नहीं बोलेगा कि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है या बलात्कारी विशेष समुदाय से है, वामपंथी कुत्ता है तू रवीश, पतन की प्रकाष्ठा है तेरी। एक और परम नाम के यूजर ने लिखा, मुजाहिदों के लिए फील्डिंग करने के लिए हर समय तत्पर रवीश कुमार, जिस अपराध को आप कल्पना बता रहे हैं और जिन महिलाओं ने वास्तव में यह भुगता है उनसे एक बार मिल लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपसे आस पास घर परिवार में कोई लव जिहाद का शिकार ना हो। जनीश नाम के यूजर ने लिखा है, किताब पढ़ने का शौक है तो ये पढ़ ले पांडे। जेके सिंह नाम के यूजर ने लिखा है, ये भ्रम छोड़ दो कि तुम लोग दुनिया को चलाओगे,
तुम्हारे षड्यंत्र अब लोगों को पता चल चुका है, इसलिए अब तुम्हारी तुलना कुत्तों से भी नहीं हो सकती, वो भी वफादार होते हैं। तो देख लिया आपने रवीश कुमार के एजेंडे की सोशल मीडिया पर कैसे हवा निकाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ऐसा कोई दिन शायद ही जाता होगा जिस दिन लव जिहाद की खबरें सामने नहीं आती होंगी। कितनी लड़कियों को सूटकेस में बंद कर दिया गया, श्रद्धा को न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया गया, न जाने कितनी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन एजेंडाधारियों को लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, इन एजेंडाबाजों की आंखें नहीं खुलती, और जैसे अब तक नहीं खुली तो इस बात की उम्मीद बेहद कम हो जाती है कि इनकी आंखें आगे भी खुलने वाली हैं। लेकिन यह बात सोचने वाली बस ये है कि इन लोगों को खुलेआम झूठ बोलते हुए क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के करने का, पत्रकारिता करने का, काम करने का, झूठ बोलने का स्तर क्या ही होगा। वैसे जिस तरह से तारा शाहदेव ने रवीश कुमार को उधेड़ा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।